तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है करियर काउच में शुभांकर पर। दोस्तों, हम लोग हमेशा करियर को लेकर तो बहुत बात करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि बच्चों के ऊपर जो हम लगातार करियर का बोझ डालते जा रहे हैं, क्या हम ये सोच रहे हैं कि उनकी जो शारीरिक अवस्था है, उनका हेल्थ जो है वो कैसा है। होता यह है कि हम लोग सोचते हैं उनकी पढ़ाई के विषय में, बच्चे सोचते हैं कि किस तरीके से कितनी जल्दी से जल्दी वो अपना मोबाइल और टैब थाम पाएं, कितनी जल्दी से जल्दी वो अपने दुनिया में जा पाएं, जो कि आजकल वर्चुअल ज़्यादा है, रियल कम। और इस वजह से हो ये रहा है कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां ये बच्चों में फैलती जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। आए दिन कुछ नए कंडीशंस पैदा हो रहे हैं, हार्ट कंडीशंस पैदा हो रहे हैं। और बाय चांस देखिए, आज हम जब ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आज वर्ल्ड हार्ट डे है। वर्ल्ड हार्ट डे में हमें ये नहीं पता है कि मेरे बच्चे का दिल जो धड़क रहा है, क्या वो किसी और साइड इफेक्ट का शिकार तो नहीं हो रहा। जी हाँ, साइड इफेक्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसे बीमारियों का जो सबसे बड़ा जो इंपैक्ट होता है वो हार्ट पर होता है, किडनी पर होता है। दोस्तों, ये सारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं हमारे खान पान से जुड़ी हैं, कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं। और हम माँ बाप कहीं ना कहीं या तो प्यार की वजह से, या तो क्योंकि खुद हम समय नहीं उनको दे पा रहे हैं उसको कवर करने के लिए, हम लोग बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें इन सब लाइफस्टाइल की तरफ ले जाते हैं। पिज़्ज़ा मंगवा दिया, बर्गर मंगवा दिया, तो जो है हम उन्हें समय नहीं दे पाए, हम सोचते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने उस बात को कंपनसेट कर लिया। हम ये कंपनसेट नहीं कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, कुछ इन्हीं बातों से जुड़े कि हार्ट को और हमारे अन अंग को जो चीजें इंपैक्ट कर रही हैं, हमारे बच्चों को इंपैक्ट कर रही हैं, उसको कैसे करके हम कंट्रोल में रखें, उसके ऊपर कैसे हम नजर बना के रखें, मॉनिटरिंग रखें। तो हम बात करते हैं डॉक्टर सुदीप सरकार से एक बार फिर। हम पहले भी उनसे एक बार बात कर चुके हैं जब कोरोना के टाइम पर थे, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को गाइड किया था कि कोरोना में हमें अपनी देखभाल कैसी करनी चाहिए, स्पेशली वो लोग जो कि डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं। आइए दोस्तों, हम चलते हैं शिमुल के पास, जो कि इस समय बैठे हैं डॉक्टर सुदीप सरकार के साथ। थैंक यू शुभांकर जी। सुदीप सर नमस्कार, एक बार बहुत बहुत आपका फिर से स्वागत है करियर काउच विद शुभांकर में। तो सर, आज वर्ल्ड हार्ट डे है और ये बहुत स्पेशल डे हमने आपको चुना है इसलिए क्योंकि आपके रग रग में डायबिटीज़ और बीपी कंट्रोलिंग है, क्योंकि आप लखनऊ शहर के एक जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और आपके पापा भी बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर रह चुके। तो सर, एक बहुत मेजर कंसर्न है करियर काउच, क्योंकि बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, बच्चों में आज के दिन में बहुत ज़्यादा बीपी, टेंशन, शुगर बहुत ज़्यादा ये पाया जा रहा है। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका राय क्या है इस बारे में। बच्चों में आजकल डायबिटीज़ बड़ा इज ऑन द राइज, बढ़ता जा रहा है, इसके इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं, बट इसकी अभी डायग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि अभी बेचारे बच्चों को तो इसके बारे में नहीं मालूम है, मगर उनके माँ बाप भी इसके बारे में बड़े अनअवेयर हैं। ये दे एग्जैक्टली डोंट नो ऐसा हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न, इवन दे डोंट रियलाइज कि बच्चे इस समय डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत यंग बच्चों में, खासकर एडोलेसेंट किड्स में, एडोलेसेंट किड्स और टीनेजर्स में, टीनेजर्स में डायबिटीज़ इज़ अ बिग प्रॉब्लम। डेफिनेटली सर, क्योंकि अभी तक हम लोगों को जो पता रहता है कि डायबिटिक्स, बीपी, ये ऐसा एक बीमारी है जो कि एल्डरली लोग, थोड़े से 40 प्लस एंड अबव के लिए ये जाना जाता था, लेकिन ताज्जुब की बात है कि आज आई थिंक टीनेजर आप बोल रहे हैं, बट मुझे बहुत सारे ऐसे केसेस स्कूल से मिले हैं जिसमें जो है बच्चे क्लास 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, वहाँ से जो है बच्चों को डायबिटीज़ की बीमारी हो रही है। क्या आपको लग रहा है कि ये जो कोरोना काल में जो बच्चे घर पर बैठे हुए थे उसके वजह से ये बीमारी का और ज़्यादा थोड़ा सा फैला है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये एक बहुत नया रीसेंट फैक्टर है कि वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, इसके चलते बच्चों की एक्टिविटी तो ना के बराबर हो गई है। और हम लोग उनको गैजेट्स भी देते हैं, बहुत सारे गैजेट्स घर में उपलब्ध हैं, बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं पिछले 1.5 साल से, तो इसलिए बच्चों की एक्टिविटी
कन्फाइंड हो गई है एक घर के अंदर ही, तो इन लोगों की एक्टिविटी बाहर आउटडोर एक्टिविटी ना हो पाने की वजह से बहुत सारे मेटाबॉलिक डिजीज आर ऑन द राइज, और इसमें खासकर बच्चों में ओबेसिटी बहुत पाई जा रही है। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स एंड दैट मेजर रीजन फॉर ऑल दीज मेटाबॉलिक डिजीजेस। इसमें डायबिटीज़ के अलावा ब्लड प्रेशर भी है, थायराइड भी है, और बड़े बड़े भयंकर कॉम्प्लिकेशंस इनको देखने को मिल रहे हैं यंग एज में ही, एंड बाय द टाइम दे मैच्योर इनटू यंग इंडिविजुअल्स तब ये इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली यस, तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक सावधानी की अलार्मिंग सिचुएशन है कि प्लीज़ अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा गाइड करिए, उनके साथ आप भी बाहर जाइए। थोड़ा सा जैसे सर ने बताया ओबेसिटी, तो थोड़ा सा एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे एक पेरेंट को कैसे पता चलेगा कि उनके बच्चे जो है इस बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। पेरेंट्स एक्चुअली अभी रियलाइज़ नहीं करते हैं ये बीमारी बच्चों में कॉमन नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी आज के दिन, दिस इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। सो अभी पेरेंट्स इस बात को रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं कि ये उनके बच्चों को हो सकता है। देन कुछ पेरेंट्स अपनी ममता में और अपने प्यार में, कभी हम लोग, मैं भी आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम आइडेंटिफाई नहीं करते कि मेरा बच्चा ओबीज हो रहा है, मोटा हो रहा है, तो उन लोगों को ये दिस इज निग्लेक्टेड थिंग। तो बिफोर ऑल दिस मेटाबॉलिक डिजीज द मेन प्रॉब्लम इज ओबेसिटी, ये भी उसको भी एक बीमारी की तरह लेना चाहिए। अभी इसको हम लोग इसलिए कहते हैं ओबेसिटी पैंडेमिक अक्रॉस इंडिया, बिकॉज हमारी जो रेस थी वो एक मिनिमलिस्टिक कंडीशन में और बहुत कम उसमें हम लोग सर्वाइव करने वाले लोग थे, और अब एफ्लुएंस की तरफ जा रहे हैं हमारी सोसाइटी। तो सर जैसे कि पेरेंट्स है बहुत बच्चों से जो प्यार मोहब्बत से उनको चॉकलेट्स दिया जा रहा है, मीठा दिया जा रहा है, तो उनको आजकल जो ये फास्ट फूड्स है घर पे बैठे बैठे हर चीज़ जोमेटो स्विगी से अवेलेबल हो जाता है एक फ़ोन के थ्रू, तो सर कैसे इसको कैसे पेरेंट्स को कंट्रोल करना चाहिए, उनको पता कैसे चलेगा कि एक्चुअली में उनके बच्चे जो है डायबिटीज़ की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर पेरेंट्स को सुनना चाहिए कि हम लोग, मैं भी एक आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, हम लोग अपने रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते अपने बच्चों में कि वो ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यू हैव टू आइडेंटिफाई हमारा बच्चा ओबीज हो रहा है कि नहीं, मोटापा हो रहा है कि नहीं। मोटापा कोई ख़राब चीज़ नहीं, ये भी एक बीमारी है, बिकॉज इट इज़ दी मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, मेटाबॉलिक डिजीजेस, तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। और इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं जैसा कि मैम आपने कहा, बट इसको पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज करके बच्चों को इसके लिए रोकना चाहिए। अभी इसका एक एग्जांपल ये है कि 100 साल पहले हम लोग बिना खाए मर रहे थे, भूखमरी हमारे देश में हमारी पॉपुलेशन बड़ी कॉमन थी, अब एक्चुअली हम लोग खा के मर रहे हैं। तो ये जो चेंज आया है ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 100 साल का पीरियड इज़ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि उसमें जो चेंज हुआ है, तो हमारी बॉडी, हमारा जो इंडियन फीनोटाइप, इसको इंडियन फीनोटाइप कहते हैं, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन रेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके लिए हम वी माइट नॉट बी सो प्रिपेयर्ड फॉर दिस चेंज विच हैज हैपेंड इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लाइफस्टाइल चेंजेस चाहिए, और ये बच्चों में ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आजकल मदर फादर यूजुअली वर्किंग होते हैं और दे आर बिजी विद देयर सोशल एक्टिविटीज़, तो कई बार बच्चे ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रहे हैं, बच्चे आर इंडल्जिंग इनटू जंक फूड, और जब से कोरोना हुआ है 1.5 साल से बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनको निकलने नहीं दे रहे हैं, वी आर वेरी हैप्पी कीपिंग देम कन्फाइंड एट होम, वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, तो इसीलिए बच्चों की एक्टिविटी तो जो पहले नगण्य के बराबर थी अब ज़ीरो हो चुकी है, और ये ऑनलाइन फूड का बहुत बड़ा रिवाज आ चुका है क्योंकि हम लोग खाने के लिए भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर पर खाना आ रहा है। तो सर आपने मुझे एक पॉइंट बताया ओबेसिटी, तो ओबेसिटी चलो ठीक है हमें पता है कि बच्चा थोड़ा सा हेल्दी हो रहे हैं तो थोड़ा सा हमें कंसर्न होना चाहिए, कुछ और इसके इफ़ेक्ट्स जो है बच्चों पे नज़र डाल के हम लोग देख सकते हैं कि बच्चा थोड़ा स्लो जा रहा है या ऐसे कोई सिम्टम्स? मैम आपने शब्द बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, मेरा बच्चा बड़ा हेल्दी है, ये बहुत कॉमनली
पेरेंट्स लोगों से होता है, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट कि मेरा बच्चा मोटा है. तो दिस इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल टर्म फॉर ओबेसिटी. खाते पीते घर के बच्चे हैं, वी शुड नॉट डू इट. अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास एक पेशेंट थे, मैंने पेशेंट क्या, उनकी पूरी फैमिली आती थी और मदर फादर की हाइट, जो मिस्टर थे उनकी हाइट 5 फिट से थोड़ी ज़्यादा थी, मिसेस थी उनकी 5 फिट से थोड़ी कम थी, और बच्चे दे वेर इन टीन्स. सब चारों जनों को डायबिटीज़ थी और चारों का वेट 100 किलो से ऊपर था. नाउ द थिंग इज कि क्या ये रियलाइज नहीं कर रहे थे कि हम लोग मोटे हो रहे हैं? सबको मालूम है कि 5 फुट के आसपास का इंसान और टीनेज का कोई बच्चा 100 किलो से ऊपर है तो वो ही इज हेडिंग फॉर ट्रबल. ये मोटापा है, ये हेल्थ नहीं है. इस चीज़ को रिकॉग्नाइज हमारा समाज अभी नहीं कर रहा है. पेरेंट्स को ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा, बच्चों को, अपने बच्चों में ओबेसिटी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरा बच्चा मोटा हो रहा है, हेल्दी नहीं हो रहा है, वो एक डिजीज की तरफ जा रहा है. ये जो सर कुछ कुछ पेरेंट्स के कंप्लेन आता है कि बच्चे को जो है नींद आ रही है या बच्चा थोड़ा स्लो एक्टिविटी कर रहा है, तो ये सारे भी सिम्टम्स जैसे बड़ों में होता है, कुछ ऐसे है क्या बच्चों के? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही सिम्टम्स होते हैं. सिम्टम्स प्राय सेम होते हैं जो एडल्ट डायबिटीज़ में मिलता है. यहाँ पे थोड़ा सी तो कुछ मैं थोड़ा क्लासीफाई करना चाहूँगा इफ़ यू अलाउ मी, कि बच्चों में जो डायबिटीज़ मिलती है वो कई प्रकार की होती है. एक तो होती है टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि पॉपुलेशन में है, इट इज़ अबाउट 5% प्रेवलेंस है इसका. इसमें ये रिलेटिवली कॉमन है बच्चों में, मगर इन बच्चों में यानी पैंक्रियास बाय बर्थ डिफेक्टिव होता है और विथ ग्रोइंग एज ये और डिफेक्ट में आ जाते हैं, इनकी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता है और ये लोग यूजुअली फर्स्ट डिकेड में ही डायग्नोज हो जाते हैं, बिफोर दे अटेन द एज ऑफ 10 ईयर्स, अराउंड दैट दे आर डायग्नोस्ड. ये बड़े लीन एंड थिन बच्चे होते हैं और इन लोग को ट्रीटमेंट में इंसुलिन की ही दरकार होती है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन. तो ये बड़ी शॉर्ट एक छोटा परसेंटेज है. उसके अलावा एक तो ये किस एज से, मतलब आप ये यूजुअली फर्स्ट डेकेड ऑफ लाइफ में पता चल जाता है. ये बच्चे लीन एंड थिन होते हैं, दे आर नॉट ओबीस. ओके, दे आर नॉट ओबीस. ये एक अलग किस्म की डायबिटीज है, इसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज. तो मतलब 10 इयर्स प्लस बच्चों के पेरेंट्स को जो है थोड़ा सा अवेयर हो जाना चाहिए. नहीं, वो मैम जो आप कॉमन आजकल होता जा रहा है दैट इज ओबेसिटी वाला. ये बच्चे जो होते हैं टाइप 1 होते हैं, ये ओबीस नहीं होते. सो इट इज बिकॉज ऑफ हेरिडिटी और समथिंग? इट इज यूजुअली हेरिडिटी या जीन डिफेक्ट की वजह से होता है. देन देयर इज मोडी, MODY, मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ द डायबिटीज ऑफ द यंग. ये भी एक जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से होता है और ये भी बच्चों में पाया जाता है. ये बच्चे भी लीन एंड थिन होते हैं. द डिफरेंस इज दे आर डायबिटिक, दे आर लीन एंड थिन. अभी जो मैं बता रहा हूँ ये सब बच्चे हैं बट लीन एंड थिन है. इसमें तीसरी कैटेगरी होती है, उसको कहते हैं लाडा. इसको लेटेंट एक्टिवेटेड डायबिटीज ऑफ द इसको कहते हैं. ये थोड़ा लेट एज में होती है, पास्ट टीनेज या यंग 20s में होती है. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ अ एंटीजेनिसिटी एंड एंटीबॉडीज इन दी ब्लड ऑफ दिस. और इनको इन पर पैंक्रियाज डिफेक्ट हो जाता है लेट, मतलब जस्ट ये जब एडल्ट होते हैं तब होता है. अगेन दीज पीपल आर लीन एंड थिन पीपल. तो ये जो क्लासिकली जो डायबिटीज़ हम लोग देखते थे, पढ़ते थे फॉर डेकेड्स एंड सेंचुरीज, वो बच्चों में डायबिटीज़ जो होती थी वो लीन एंड थिन होते थे. नाउ वॉट वी आर फेसिंग इज दी डायबिटीज़ इन ओबीस पीपल. मोटापा, साथ में मोटापा एसोसिएट है, ये बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि मोटापा तेजी से बढ़ रहा है. तो क्या आपको लग रहा है कि इंडिया में ही ये ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आप तो वर्ल्ड वाइड जुड़े हुए हैं, तो आपका क्या लगता है? नहीं, ये ऐसा नहीं कि इंडिया में ही हो रहा है, बट इंडिया देखिए WHO का प्रेडिक्शन था सन 2000 में कि इंडिया वुड बी द डायबिटीज कैपिटल. सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट. बाई 2025 दे सेड इंडिया वुड बी द डायबिटीज कैपिटल. इट विल ओवरटेक चाइना इन टर्म्स ऑफ डायबिटिक पॉपुलेशन. आज भी मैं पढ़ रहा था, उसमें था कि एवरी 1 out of 10 पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन US इज डायबिटिक. तो ये मतलब वही है कि जो लोग पहले डिप्राइवल में रह रहे थे, अब वो एफ्लुएंस में जा रही है. इसमें हमारा रेस है
इंडियंस, वी इंडियंस फॉर्म अ वेरी बिग कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड, इवन इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो. सो ये एक बहुत बड़ा रेस है जिस जो कि बहुत प्रोन है डायबिटीज़ के लिए. हम लोग के जो एथनिसिटी है, हमारी जो रेशियल डिफरेंस है दैन दी वाइट पॉपुलेशन इज़ क्वाइट डिफरेंट. तो हम लोग में ये ओबेसिटी जितनी तेज़ी से बढ़ेगी उतना ही ये चीज़ बढ़ेगा, और इसलिए ये ज़्यादातर बहुत सारी कंट्रीज़ में ये बढ़ रहा है. बट आई थिंक हियर ऑल्सो वी आर विनिंग, वी आर द नंबर वन कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ इज मोर. तो सर इन आपके हिसाब से ये किन बच्चों में कॉमन है? आपके पास बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आ रहे होंगे बच्चों को लेके, तो एक आपने कैटेगरी हमें दिया है लीन एंड थिन, एंड एक आपने ओबीस के ऊपर बताया है. तो आप बताइए है कि कैसे हम पेरेंट्स को गाइड करें इसमें. देखिए जैसे मैंने बताया कि बच्चे, पहली बात बच्चों, ये उन बच्चों में ज़्यादा कॉमन है जो ओबीस है. तो ओबेसिटी के क्राइटेरिया को जो फुलफिल करते हैं उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना चाहिए पेरेंट्स को. और तो आई थिंक मेरे हिसाब से उनको रेगुलर एक पीडियाट्रिशियन के पास जाके वेट एंड हाइट के हिसाब से करेक्ट कंट्रोल करते रहना चाहिए. हाइट वेट रेशियो होता है, और उससे ज्यादा आज के दिन अब है वेस्ट सरकमफेरेंस. तो वेस्ट सरकमफेरेंस जिन बच्चों का ज्यादा है, इट शुड नॉट बी मोर देन 95 सेंटीमीटर इन अ मेल, इन इवन इन अ एडोलेसेंट किड हु इज अ टीनेजर. एंड तो वो नहीं होना चाहिए. तो ये ओबेसिटी वहाँ से दे कैन रियली डायग्नोज एंड पिन पॉइंट कि हमारा बच्चा ओबीस है कि नहीं है. देन अगर फैमिली हिस्ट्री है उस फैमिली में डायबिटीज़ की, जैसे पेरेंट्स इमीडिएट पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स में से अगर कोई एक जने भी है तो भी इट विल बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द किड. देन हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ इन द पैटर्नल एंड मैटर्नल साइड, कितने लोग डायबिटिक हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है. देन उनमें हार्ट डिजीजेस के, किडनी डिजीजेस के क्या इंसिडेंस रहे हैं उस फैमिली में, दे ऑल्सो काउंट अ लॉट. इसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. जो बच्चे, दोज बच्चे हु आर बॉर्न टू डायबिटिक मदर्स, दे आर मोर प्रोन फॉर ओबेसिटी एंड डायबिटीज व्हेन दे आर ग्रोइंग. ठीक है, यानी बच्चे जब माँ के पेट में थे और माँ को अगर डायबिटीज थी उस समय, तो वो बच्चों को लाइफ में जल्दी डायबिटीज होने के चांसेस हैं. और वो अगर वो ओबीज हो गए तो और जल्दी होने के चांसेस हैं. सो इस केस में उनको क्या करना चाहिए? और एक बात और मैम, और वो बच्चे जो प्री मैच्योर बॉर्न हुए हैं, जो प्री मैच्योरिटी के बच्चे हैं, उन लोगों में ये लाइफ में डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. दे विल डेवलप डायबिटीज सूनर देन देयर पेरेंट्स, एंड इफ दे आर ओबीज मोर सूनर. ये तो पेरेंट्स आप सुन ही रहे, डॉक्टर बहुत चेतावनी हम लोग को दे रहे हैं. तो सर एक चीज़ बताइए कि पेरेंट्स को टाइम बाय टाइम ऐसे कुछ चेकलिस्ट आप बताएंगे कि दे शुड टॉक टू द किड्स एंड उनसे पूछते रहे कि बेटा आपको ये प्रॉब्लम है, फील हो रहा है, कैसे आपको लग रहा है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को लाइफ स्टाइल करेक्शन की तरफ माँ बाप को प्रेरित करना चाहिए. अगर उनको लगता है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ अगर पेरेंट्स अवेयर रहेंगे तो वो दे कैन ईजिली रिकोगनाइज कि उनका बच्चा ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, तो उसको चेक करें उनके लाइफस्टाइल के, उनको प्रमोट करें हेल्दी लिविंग, हेल्दी फूड, अवॉइड जंक फूड, मोर एक्टिविटी, मोर आउटडोर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, किसी कोई एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उनको इंडल्ज करें, ये ज़रूरी है. और समय समय पर उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए. मैं यहाँ पे छोटा सा एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट बताना चाहता हूँ. आप सब लोगों ने ये देखा होगा कि कई बार जो ओबीज बच्चे होते हैं, इवन दे आर इन देयर टीन्स, एक चीज़ आपने देखा होगा कि उनके गर्दन के आसपास बहुत काले मार्क्स होते हैं. अगर आप गौर करेंगे तो आगे आप देख सकते हैं. तो दैट इज़ अ वेरी वेरी अर्ली इंडिकेटर कि इस बच्चे को, ये बच्चा अगर ओबीज है तो उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने वाला है नियर फ्यूचर में. दीज पीपल आर प्रोन फॉर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायरॉयड एंड हार्ट डिजीजेस. तो इन बच्चों में ओबेसिटी को कंट्रोल करना चाहिए, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए. और ये वेरी ईजी तरीका है कि खाली नेक के अराउंड आसपास देख सकते हैं कि उसके बहुत डार्क काले पैचेस होंगे, वेरी डार्क देन देयर कॉम्प्लेक्शन. तो ये बड़ा अर्ली इंडिकेटर है ऑफ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. तो सर जैसे कि आज हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे मना रहे हैं और हम लोग बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं कि बीपी और शुगर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है हार्ट के,
तो हार्ट कंडीशंस को कैसे हम लोग चेक करेंगे? बिकॉज ये आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि टीनएजर्स को भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो आप कैसे पेरेंट्स को ये गाइड करेंगे, कैसे वो टेस्ट, क्या रेगुलर इंटरवल में ऐसे कौन से टेस्ट है जो करते रहे ताकि उनके बच्चों के जो हार्ट कंडीशन है वो इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है? देखिए, पहली बात तो बच्चों को स्क्रीन करना चाहिए। सर, कितने इंटरवल में वो होना चाहिए? अगर देखिए, अगर बच्चा ओबीज है, ओवरवेट है, और ये यूजुअली टीनेजर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इफ़ यू हैव रिकॉग्नाइज दैट, तो उनको स्क्रीन करना चाहिए। और किसी भी उसमें गड़बड़ मिल रही है तो उसको, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ है तो उसको 6 मंथली या एनुअली उसको स्क्रीन करना चाहिए उन बच्चों को। लाइक पीपीए एंड फास्टिंग, या इसमें ब्लड शुगर के टेस्ट है, डायबिटीज के, बीपी चेक होना चाहिए इन बच्चों का, थायराइड की चेकिंग होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंटली लिपिड प्रोफाइल इन बच्चों का चेक होना चाहिए, बिकॉज दिस लिपिड प्रोफाइल इज अल्टीमेटली गोइंग टू अफेक्ट द हार्ट। और ये बड़ा, इट इज़ नॉट वेरी अनकॉमन टू सी कि जब शुगर बढ़ी है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो बीपी भी, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा होगा। इनफैक्ट अगर किसी को थायराइड डिसऑर्डर है तो उसमें भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो मतलब ये 9-10 साल के ऊपर के बच्चों से जो है ये, हाँ, टीनेज से इनको स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए, खासकर बच्चे में ओबेसिटी के फीचर्स दिख रहे हैं तो। और उसमें अगर कुछ भी पैरामीटर्स थोड़े गड़बड़ मिल रहे हैं, वेदर यू ट्रीट इट और नॉट, बट कीप अ चेक ऑन दैट एटलीस्ट बाई एनुअली और वंस इन अ ईयर ये करना चाहिए। और उसमें ये सारे प्रोफाइल्स कराते रहना चाहिए, और दिस शुड ऑल्सो इंक्लूड हार्ट टेस्ट, हार्ट के टेस्ट, जिसमें कि ECG सबसे बेसिक टेस्ट है। मोर देन दैट, यू कैन, अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि दौड़ने में, सीढ़ी चढ़ने में हफनी आ रही है, या कुछ इन ये चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको E2D इको और TMT का टेस्ट भी कराना चाहिए उन बच्चों में। दे शुड बी नाउ ट्रीटेड एज एडल्ट, उनको उसी प्रकार से टेस्टिंग होनी चाहिए। तो वी कैन डिटेक्ट हार्ट डिजीज वेरी अर्ली इन सच किड्स, अदरवाइज इन बच्चों में अगर ये अनडायग्नोज रह गए तो आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 4-5 ईयर्स और मे बी लिटिल बिट मोर, दे विल गो इन टू हार्ट डिजीजेस विच वोंट बी रिवर्सेबल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली पेरेंट्स, इट्स अ मैटर ऑफ वरी फॉर ऑल आर ऑल ऑफ अस। सर, एक और मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि ये बच्चे जो है आजकल दिन भर ऑनलाइन क्लासेस जो कि मोबाइल से है एंड वीडियो गेम्स में है, तो सर एक आईसाइट की भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ रही है, तो इसके ऊपर आप कैसे बात करेंगे? ये आपने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया मैडम, दिस इज हार्डली थॉट ऑफ बाय इवन बाय अस। पेरेंट्स की बात छोड़ दीजिए, वी एज फिजिशियंस डोंट गो इन टू दैट। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बच्चों का आई टेस्टिंग होनी चाहिए। बिकॉज वो बीच बीच में बहुत बच्चे ये भी बोलते हैं कि मुझे हेडेक हो रहा है। बच्चे को अगर बच्चे कभी ये नहीं कंप्लेंट करेंगे कि मुझे दिख नहीं रहा है, ये ध्यान रखिएगा, हम ये पेरेंट्स को बताना चाहेंगे, खासकर अगर बच्चा थोड़ा छोटा है, ज़्यादा छोटा है, तो ही और शी हिमसेल्फ द चाइल्ड वोंट बी एबल टू रिकोगनाइज और रियलाइज कि मेरी विजन डिस्टर्बेंस है, तो ही इज़ नेवर गोइंग टू से कि मुझे साफ दिख नहीं रहा है। तो उनको रेगुलर आईसाइट चेकिंग होनी चाहिए। इसमें सिम्टम्स यूजुअली लेट हो सकते हैं, सिम्टम्स आर यूजुअली हेडेक, नौजिया, चक्कर, वर्टाइगो, वॉमिटिंग, ये सब हो सकते हैं। तो अगर बच्चा, जैसे बच्चे ने बहुत देर पढ़ाई की या अपने मोबाइल पे या टैबलेट पे या लैपटॉप पे के क्लासेस के बाद वो बच्चा सर पकड़ के बैठ गया है, लेटा हुआ है, इज़ नॉट इंडल्जिंग इनटू एनी एक्टिविटी, तो यहाँ पे देयर शुड बी अ क्वेश्चन मार्क राइजिंग कि वेदर द चाइल्ड माइट हैव एनी विजन डिस्टर्बेंसेस। तो उसको एक प्रॉपर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास ले जाके उनका चेकअप कराइए। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं रिटेरिएट करना चाहूँगा, हमेशा ये आई चेकअप डायलेटेड आई एग्जामिनेशन होना चाहिए, यानी आँखों में दवाई डाल के चेकअप होना चाहिए, जो कि एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही कर सकता है, एक ऑप्टोमेट्रिस्ट या चश्मे की दुकान पर नहीं हो सकता है। इसलिए एक प्रॉपर ऑप्थेल्मोलॉजी सेटअप में जाके कराइए। वेल सेड डॉक्टर। एक और बात है जो आजकल बहुत परेशान कर रहे हैं, स्पेशली फॉर द 11th 12th, या फिर मैं बोलूँगी 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स, जो बोर्ड्स का जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस, हम लोग स्ट्रेस की बात जो करते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेंटल वेलबींग पे चर्चा हो रही है, तो सर स्ट्रेस से तो आई थिंक डायबिटीज़ का बहुत घनिष्ठ ताल्लुक है, ये सबको पता है।
लेकिन सर बात इस पे आ जाती है कि उसको कंट्रोल करने में पेरेंट्स का क्या हाथ होना चाहिए, तो इसके ऊपर आपको क्या लग रहा है कि एज अ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट, तो आपको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को? यहाँ पे एज अ डॉक्टर नहीं, मैं एज अ पेरेंट मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि इसके ऊपर एज अ डॉक्टर मैं बोलूँगा तो उसका प्रवचन लगेगा, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है भाई अपनी ऑब्वियसली, बट एज अ पेरेंट मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करें, उन पर स्ट्रेस ना डालें, दे माइट नॉट एक्सीड इन सम डिपार्टमेंट इन ऑन सम टाइम मे बी दे विल एक्सीड इन सम अदर फील्ड, तो उनके ऊपर कोई स्ट्रेस ना डालें। आजकल मैंने ये नोटिस किया है इन जनरली स्पीकिंग और अपने बच्चों में भी कि बच्चे दे आर क्वाइट मैच्योर बिकॉज ऑफ दिस मीडिया एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऑल दीज थिंग्स अवेलेबल टू देम, दे आर क्वाइट मैच्योर, दे टेक देयर डिसीजन ऑन देम सेल्फ, सो ट्रस्ट देम, हमें ऑलवेज ट्रस्ट देम एंड लेट देम गो बाय देयर इंस्टिंक्ट, कि जो करना चाहते हैं उनको करने दीजिए, आपको उनको गाइड करना है कि वो गलत रास्ते पर ना जाएँ, गलत संगत में ना जाएँ, उनको गाइड करना है और उनके हर डिसीजन में उनके साथ रहिए, राइट और रॉन्ग उनको हर चीज़ में सपोर्ट भले ही मत करिए बट उनके साथ रहिए, डिस्कस करिए, गिव देम योर आइडियाज़ एंड उनको एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट करिए, और उन पर इस चीज़ का बर्डन मत डालिए कि यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू डू दिस, यू हैव नॉट डन दिस, ऐसा करिए उनसे, उनको बच्चों को ये फील नहीं होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स को बड़ा बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन है कि हम ये करेंगे, तो लेट देम डू एंड देन सी हाउ आर दे डूइंग, इवेंचुअली इफ योर चाइल्ड इज़ गुड he will succeed someday, no matter which field, where, it is only time will tell us, but bachcha succeed karega, aur uski upbringing is tarah se honi chahiye, aur usko aur ab jo de-stressing cheeze hain usme yoga hai, let the child enjoy whatever he likes, it can be some dance form, some music, some wo kai baar bachche humne dekha hai gym jana chahte hain, just ek achhi outing ho jati hai, wahan kuch log milte hain, apne हेल्थ के प्रति भी ध्यान देते हैं, एनी सच एक्टिविटी इज़ गुड एक्टिविटी, तो डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, योगा इज़ गुड थिंग, और मेडिटेशन अगर कोई करना चाहे, कोई बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उनको, बच्चों को उनके इस इंडलजेंस से हटाइए, ये नहीं कि पढ़ाई खत्म होने के बाद वो सीधे मोबाइल लेके गेम पे बैठ गए, तो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, वो स्ट्रेस लेवल उनका कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, तो टेक देम अवे फ्रॉम दैट, उनके साथ बल्कि उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, गो आउट विद देम फॉर अ वॉक, गो आउट विद देम फॉर अ to have a let's say have a dinner with them, to stroll in the garden, koi aas paas park mein chale jaiye, to unke sath time spend kariye, ek nischit ek time spend karne ka ek agenda rakhiye unke sath. To doctor bahut bahut dhanyawad aapka ki aaj hamare show pe aap aaye, aur hum parents ko ye janna bahut zaruri hai kyunki hame pata nahi chalta hai ki hum indirectly kaise stress dal rahe hain apne bachchon ke upar. थोड़ा सा टाइम हम लोग भी निकाल सकते हैं अपने बिजी स्केड्यूल से, स्पेशली हम लोग जब घर वापस जाते हैं, एंड उनको जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि उनको टाइम दीजिए, उनको एंगेज करिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, एंड स्पेशली उनके साथ बात करिए. बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जो ये हमें बार बार कंप्लेन करते हैं कि मैम आप तो बार बार हमें बोलती है एज अ काउंसिलर कि शेयर करो अपने पेरेंट्स को, अपने दिल की बात बताओ, बट पेरेंट्स हमें भरोसा नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते. तो पेरेंट्स इट्स हाई टाइम नाउ कि आप अपने बच्चे से बात करिए, टाइम निकालिए एंड उनको एक अच्छा हेल्दी लाइफ दीजिए. थैंक यू सो मच एंड टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ.